हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रीवियस वीडियो का ही नेक्स्ट पार्ट है, और अगर इसे हमें समझना है तो आप लोगों को बेटा सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है, एक नोट्स कॉपी की और एक पेन की, इसको आप साथ लेके बैठिए और डायग्राम भी साथ के साथ सीखिए, क्योंकि बायोलॉजी क्या है, इनकम्प्लीट है विदाउट डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टर्म्स फॉर फ्लावर डिस्क्रिप्शन। आपको क्या है, डिफरेंट टर्म्स समझाए जाएंगे जिससे आप फ्लावर को डिस्क्राइब कर सकें। उससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमारा फ्लावर के स्ट्रक्चर में हमने क्या समझा था। तो देखिए बच्चों, दिस इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, जिसे हमने क्या नाम दिया है, पेडिसिल नाम दिया है। इस पेडिसिल का जो एक टॉप मोस्ट पोर्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों रिसेप्टेकल। तो रिसेप्टेकल के बाद आप लोग देखिएगा अगला पोर्शन क्या है, ये लीफी स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं बेटा सेपल। ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड द कैलिक्स, ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इसके बाद ग्रुप ऑफ पेटल्स है, ये क्या है, ये ऑरेंज कलर के जो स्ट्रक्चर है हम लोग क्या बोला है, ग्रुप ऑफ पेटल्स, मतलब पेटल्स है, ग्रुप ऑफ पेटल्स को आप लोग क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कोरोला। कोरोला और कैलिक्स ये दोनों है नॉन एसेंशियल बल्ब्स ऑफ द फ्लावर। अब अगर आपको एसेंशियल बल्ब समझने थे तो हमने आपको क्या बताया था कि ये जिस तरीके के स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, हम इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, हम इन्हें बोलते हैं एंथर, ठीक है। और इससे ही लगी हुई एक स्टॉक होती है एंथर की, जिसे हम क्या बोलते हैं, इस स्टॉक को क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट का जो कॉम्बिनेशन है उस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं स्टैमेन। एंड दिस ग्रुप ऑफ स्टैमेंस इज नोन एज एंड्रोशियम, ठीक है। ये आपका मेल पार्ट हो गया या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया फ्लावर का। इसके बाद आप ये देखिए स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है, एक तरीके का प्लेटफॉर्म का काम करेगा। पोलन ग्रेन्स आएंगे, पोलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट है, इस एंथर के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसे बोलते हैं उसे हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है ना। तो प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है, ये स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल, और ये आपका राउंडेड पोर्शन क्या है बच्चों, ये है ओवरी। ओवरी के अंदर इस बार हमने आपको राउंडेड स्ट्रक्चर भी दिखाए हैं, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उन्हें क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। दिस इज द ओव्यूल, ये जो स्ट्रक्चर है। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी क्या बनाते थे, ये बनाते थे कार्पेल, देखिए कार्पेल है ये, और ग्रुप ऑफ कार्पेल्स को हम लोग क्या कहेंगे, गाइनेशियम कहेंगे। तो हमारे जो टोटल चार बल्ब्स हैं बच्चों, उसमें हम लोग क्या समझ में आया हमारी, कि भाई ये जो चार बल्ब्स हैं अगर ये प्रेजेंट है किसी भी फ्लावर के अंदर, तो उस फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसे कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। तो आप यहां पर समझिए कि कंप्लीट फ्लावर की डेफिनेशन क्या हो गई है, द फ्लावर इन विच ऑल द फ्लोरल बल्ब्स, ठीक है, सभी फ्लोरल बल्ब्स, दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम, अगर चारों के चारों प्रेजेंट हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए इसके एग्जांपल आप नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जांपल है चाइना रोज और पी, ठीक है। चाइना रोज यानी कि जो गुड़हल का फूल होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगला जो टॉपिक है इसमें आप समझेंगे कि अगर चारों वर्ल्ड में से कोई भी एक वर्ल्ड एब्सेंट है, चाहे आप कैलिक्स को एब्सेंट कर दीजिए, चाहे आप कोरोला को एब्सेंट कर दीजिए, चाहे आप गाइनेशियम को या एंड्रोशियम को, इफ एनी ऑफ द वर्ल्ड इज मिसिंग और एब्सेंट, देन दिस कंडीशन इज नोन एज इनकम्प्लीट फ्लावर। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, व्हेन वन और मोर फ्लोरल वर्ल्ड ओके इज मिसिंग इन अ फ्लावर, दैट इज नोन एज इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है। तो यानी कि इन चारों वर्ल्ड में से कोई भी एक एब्सेंट हो जाए तो आप उसे इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे, और इसका एग्जाम्पल बेस्ट क्या है, लूफा, ठीक है। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो आप समझिए, अगला टॉपिक है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर को समझते हैं, अगर किसी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हैं तो हम उस फ्लावर को क्या बोलेंगे बेटा, हम उसे बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, मेल और फीमेल पार्ट, यानी वही एंड्रोशियम और गाइनेशियम। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, आप लोग जरा देखिए, अ फ्लावर इन विच बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम आर प्रेजेंट, यानी कि ऐसा फ्लावर जिसमें एंड्रोशियम और गाइनेशियम दोनों प्रेजेंट है, हम उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। इसका एग्जांपल भी सिंपल है, चाइना रोज, यानी वही गुड़हल का फूल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम ये समझेंगे कि इसका जो नेक्स्ट नेम है, मतलब कि बाइसेक्सुअल फ्लावर को और किन नामों से आप जान सकते हैं, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर इज ऑल्सो नोन एज हर्माफ्रोडाइट फ्लावर और परफेक्ट फ्लावर। तो आप इसको क्या बोलेंगे बेटा, हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे, और इसे हम परफेक्ट फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर हमारी टर्मिनोलॉजी क्या हो रही है, खत्म हो रही है, और यहां पर इसके बाद एक और कुछ टर्म्स हैं जिसको अगला टर्म है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है
कोई भी एक रिप्रोडक्टिव वर्ड प्रेजेंट होगा, या तो गाइनेशियम प्रेजेंट होगा फ्लावर में या फिर एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा। देखिए आप लोग डेफिनेशन, ओनली वन रिप्रोडक्टिव वर्ड इधर एंड्रोशियम और गाइनेशियम इज प्रेजेंट इन अ फ्लावर। ओके, और ये होता है बेटा टू टाइप्स का। पहला टाइप क्या है? पिस्टिलेट फ्लावर्स और दूसरा है स्टेमिनेट फ्लावर्स। पिस्टिलेट का मतलब मैंने आपको बताया था, कार्पेल का दूसरा नाम पिस्टिल होता है, यानी कि स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते थे एक साथ? कार्पेल। कार्पेल का दूसरा नाम पिस्टिल। तो ऐसे फ्लावर को जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रेजेंट हो उसे हम क्या बोलेंगे? पिस्टिलेट फ्लावर। और इसकी डेफिनेशन भी प्रेजेंट है, ओनली गाइनेशियम इज प्रेजेंट देन दिस इज नोन एज पिस्टिलेट फ्लावर। अगर आप यहाँ पर स्टेमिनेट में देखते हैं तो स्टेमिनेट में क्या होगा? केवल एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा, यानी मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट किससे बनती है? एंथरफिलामेंट। एंथरफिलामेंट को हम बोलते हैं स्टेमेंस, एंड ग्रुप ऑफ स्टेमेंस फॉर्म्स द एंड्रोशियम वर्ल्ड। ठीक है, तो देखिए स्टेमिनेट में क्या हुआ? ओनली एंड्रोशियम इज प्रेजेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है? लूफा। लूफा एग्जाम्पल जो है वो फीमेल फ्लावर यानी पिस्टिलेट फ्लावर और मेल फ्लावर यानी स्टेमेन फ्लावर दोनों का ही एग्जाम्पल है। इसको और अच्छे समझने के लिए हम लोग चलते हैं बच्चों डायग्राम की तरफ। डायग्राम में आप लोग समझ के चलिए, ये आपका फीमेल फ्लावर का जो है डायग्राम है, यहाँ पर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो हम इसको फीमेल फ्लावर कह रहे हैं। फीमेल फ्लावर का सिंबल ये रहेगा, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, वहां पर हम लोग इसी सिंबल का यूज करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखिए अगला जो है वो मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर में आपको एंथर फिलामेंट नजर आ रहे हैं जिसको हम लोग स्टेमेंस कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमेंस, अगेन हम क्या कहते हैं? एंडोशियम बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? मेल फ्लावर या फिर स्टेमिनेट फ्लावर्स। ओके, आप देखिए अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है न्यूट्रल फ्लावर के बारे में। न्यूट्रल फ्लावर, अगर कोई फ्लावर के अंदर आपका ना तो एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा ना गाइनेशियम, अगर दोनों एब्सेंट हैं तो हम उस फ्लावर को न्यूट्रल फ्लावर कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है सनफ्लावर। सनफ्लावर में जो येलो कलर के जो पेटल्स होते हैं उन्हें हम लोग रे फ्लोरेट बोलते हैं, और यही इसका एग्जांपल भी है। आप जरा कंटेंट देखिए, बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम आर एब्सेंट इन अ फ्लावर, सच फ्लावर्स आर कॉल्ड न्यूट्रल फ्लावर एंड एग्जांपल इज रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। सिंपल, आगे बढ़िए। आगे देखिए, आगे टॉपिक है हमारा मोनोशियस प्लांट। देखिए बच्चों, मोनोशियस प्लांट कैसा प्लांट होता है? जिसके अंदर आपको मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट के ऊपर ही मिले, यानी कि ये फीमेल फ्लावर है और मेल फ्लावर है, दोनों फ्लावर आपको एक ही प्लांट के ऊपर मिलेंगे तो हम उसे मोनोशियस प्लांट बोलेंगे। मोनो मीन सिंगल, सिंगल प्लांट कैरिंग बोथ टाइप ऑफ फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर्स एज वेल एज मेल फ्लावर्स। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनी, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। एग्जाम्पल क्या है? पम्पकिन और मेज। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल से बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है डायोशियस प्लांट। डायोशियस प्लांट का मतलब क्या है कि आपके मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट पर प्रेजेंट होंगे, तो उस तरीके के प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? डायोशियस प्लांट बोलेंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या बनी, ईदर पिस्टिलेट, पिस्टिलेट किसे बोलते हैं? फीमेल फ्लावर को, और स्टेमिनेट, स्टेमिनेट मतलब मेल फ्लावर, फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन अ प्लांट। अगर प्लांट के ऊपर ईदर पिस्टिलेट और स्टेमिनेट फ्लावर्स आर प्रेजेंट तो हम इस प्लांट को क्या बोलेंगे? डायोशियस प्लांट बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? एग्जाम्पल है पपाया एंड डेट पाम। ओके, तो यहां पर ये टॉपिक क्या है बेटा? ओवर हो गया है। यहां पर आपको सिर्फ एक ही चीज समझनी थी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मेल फ्लावर कैसा है, फीमेल फ्लावर कैसा है। मेल फ्लावर के अंदर केवल मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट मिलेगी और फीमेल फ्लावर के अंदर केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट मिलेगी। अगर इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू कैन मेक योर डेफिनेशन बाई योर ओन। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एक दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल चीजें समझ में आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।